जय श्री राधे। साधकों, शरीर को सत्य एवं सुंदर मानने से ही मान की उत्पत्ति होती है, जो कि दुख का मूल है। यदि हम शरीर की क्षण भंगुरता और मलिनता को ठीक से समझ लें तो काम उत्पन्न होगा ही नहीं। मन में शांति रहेगी, जो कि हमें परमात्मा से अभिन्न कर देगी। काम की उत्पत्ति हमें बेचैन कर देती है, विश्राम छीन लेती है, थका देती है। तब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता, भटकता है, आनंद शून्य हो जाता है, अभाव में जीता है, पराधीन हो जाता है। कामनाएं उसे घसीटती हैं, उसका जीवन दुख में बीतता है, उसका यश खो जाता है, वह विवेक खो बैठता है। जो व्यक्ति अपनी इस दयनीय दशा से ऊपर उठना चाहता है, उसे कुछ बाहरी साधन भी अपनाने होंगे, फिर कुछ सूक्ष्म बातों पर भी विचार करना होगा। पहले तो वह उन स्थानों पर न जाए जहां जाने से उसका मन चंचल हो जाता है। मन ही मन भगवान के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छी पुस्तक साथ रखनी चाहिए। यह समझकर कि व्यसनों में मनुष्य जन्म नष्ट हो जाता है, दोषों से किनारा कर लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सत्य मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति दें। गीता जी में भगवान ने काम, क्रोध एवं लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार बताया है और इन्हें त्यागने के लिए कहा है। इनमें भी काम तो पहले नंबर पर है। यदि बड़े पहलवान को हरा दिया जाए तो छोटे पहलवान को हराने में कोई दिक्कत नहीं होती। काम बड़ा पहलवान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हुए प्रेम पूर्वक गदगद कंठ से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।